Next question. Question says a cylindrical conductor of radius capital R is carrying a constant current. The plot of the magnitude and the magnetic field B with the distance d from the center of the conductor is correctly represented by the figure. Again, ये सवाल मैं क्लास में इसको हम डिराइव करते हैं. मैं क्लास में हर बार अपने हर स्टूडेंट को कहता हूँ कि ये फॉर्मूला और ये ग्राफ आपको भूलना अलाउड नहीं है. डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे सवाल आते हैं और ये सवाल इस बात का एग्जांपल है. राइट, तो सिंपल सा इसका ग्राफ जो बनेगा, ये मान लीजिए आपका कंडक्टर है. उस कंडक्टर के केस में सॉलिड कंडक्टर है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग. तो इस वाले केस में जब हम इसकी ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार आता है कि पहले ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे डिस्टेंस डी के साथ या आर के साथ ऐसे वेरी करेगी. इनसाइड जो होता है उसको हम लिखते हैं म्यू नॉट आई म्यू नॉट जे आर बाय टू, और यहाँ पे जो आपका आर के साथ वेरी करेगा वो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय टू पाई आर, छोटा आर, या इस सवाल में इसको डी भी लिख सकते हैं. राइट, स्मॉल डी लिख लेते हैं. सो स्मॉल डी, सो ये आपका वेरिएशन होएगा. सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर.